इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव एंड आर इन एच पी, तो ए बी सी आर इन पॉजिटिव एंड आर इन एच पी, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आर। तो अपने को जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसके रूट्स के लिए कमेंट करना है कि रूट्स किस नेचर के होंगे, और इन्होंने बता रखा है कि ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है और एच पी में है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस कंडीशन को सबसे पहले सेटिस्फाई करवाता हूँ, इसमें अपन रिलेशन निकले। ठीक है, इन्होंने क्या बता रखा है, ए बी सी ये क्या है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है पॉजिटिव नंबर है, और इन्होंने बताया है ए बी और सी जो है इन एच पी में है। तो अगर ये एच पी में है तो इसका रिवर्स क्या होगा, ए पी में होगा। अपन क्या जानते हैं एपी और एचपी में रिलेशन होता है, अगर कोई नंबर एचपी में है तो उसका रिवर्स जो होगा वो एपी में होगा। तो वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी क्या होगा, इन एपी। अभी तक अपन ने कुछ यूज नहीं किया है, एबीसी को उन्होंने पॉजिटिव नंबर लिखा था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया, एबीसी को एचपी में लिखा था, एबीसी को एचपी में लिख दिया, और वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी को मैंने क्या बोल दिया, एपी में। अगर अगर ए एपी में है तो इसके लिए अपन क्या टर्म्स लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन बी, वन अपॉन बी इजकल्स टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर लूँ, लेट्स से अगर एक्स वाई जेड अगर इन एपी में हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड बाई टू। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर तीन नंबर एपी में है तो जो उसका मिडिल टर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द टर्मिनल नंबर। तो ये मैंने वन अपॉन बी इजकल्स टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी की वैल्यू क्या लिख दिया, ये इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ, वैल्यू लिखा हुआ बेसिकली ए प्लस सी अपॉन 2ac, ठीक है ये आ गया ए प्लस सी अपॉन 2ac। और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू देखूँ तो b की वैल्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो ये रिलेशन आ गया, अगर a b c hp में है तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी आएगा। अब जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इसकी वैल्यू 0 गिवन है। तब अपन रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट करें तो उससे पहले अपने को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर रूट्स के बारे में कमेंट करना है तो अपन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, तो इसकी अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँ डी, तो बी स्क्वायर मीन्स 2b का होल स्क्वायर, बी बेसिकली क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो ये 2b का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू देखूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगा। अब अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो b की वैल्यू अपने को क्या पता है 2ac अपॉन a प्लस सी, तो यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a² c² ठीक है 4a² c² अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस क्या आएगा ये 4ac, ठीक है। अब अपन इसको कंपेयर करके मैं d की साइन चेक करूँ, d अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा रियल डिस्टिंक्ट, d 0 होगा तो इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स। यहाँ से अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 16a² c² अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है माइनस 4ac। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूँ, ठीक है मैं 4ac कॉमन लेता हूँ, ठीक है अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 4ac, तो यहाँ से 4ac अपन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4ac अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा। अब अपने को क्या पता था ए बी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, अब अपने यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेके ये 4ac अपॉन ये आ जाएगा 4ac माइनस ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ये अपन इसको एलसीएम लेके ये क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करें, मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे अगर मैं ओपन करूँ लेट से ये क्या लिखा हुआ है 4ac इंटू ये आ जाएगा 4ac माइनस ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, ये अपन ने ए प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया और पीछे माइनस साइन लगा था, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां से अब अगर अपने इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 4ac इंटू ये लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस का 2ac प्लस का 2ac अपॉन a प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे अपन ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 4ac
और इसके अंदर बचेगा माइनस कॉमन ले रहे हैं अपन, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या लिखा हुआ है, 2ac, ठीक है। अपन ने यहाँ पे 4ac माइनस 2ac लिखा था, तो 2ac आया था, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 2ac लिखा हुआ है। ये बेसिकली ए माइनस सी का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये माइनस 4ac और ये लिखा हुआ है ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, इनिशियली ए बी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ए बी और सी ये क्या थे, आर पॉजिटिव नंबर। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी पॉजिटिव सी बी पॉजिटिव इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये तो स्क्वायर है सिंपली, तो अब परफेक्ट स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ठीक है, अपने पास बेसिकली ये जो क्वांटिटी दो है उस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, बट पीछे क्या है, ओवरऑल साइन पीछे क्या है, निगेटिव लगा हुआ है। तो अपन तो फाइनली इसका जो साइन बोलूंगा वो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल साइन निगेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, तो ए और सी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो बस पीछे क्या है, साइन माइनस है, तो ओवरऑल जो साइन होगा इसका, ओवरऑल क्वांटिटी ये निगेटिव होगा। यहाँ से अपन डी को क्या बोलेंगे, डी लेस देन जीरो। तो डी लेस देन जीरो के केस में अपन क्या बोलते हैं, डी लेस देन जीरो के केस में अपन बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो डी लेस देन के केस में क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। तो अब अगर अपना आंसर देखे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, तो रूट्स जो होंगे जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि डी नेगेटिव आ गया, ठीक है।